हारे फ्लोहार की जुगनी के बैक वोकल्स करते हुए सनम सईद ने सोचा भी नहीं होगा कि आगे जाकर उनकी जिंदगी गुलजार होने वाली है। एक्टिंग के फील्ड में सनम की आमद ने रिवायती हेरोइन के इमेज को बदला है। आज सनम सईद कॉन्वर्सेशन में हमारी मेहमान है। कैफेसिफी ऑफ टफिल कफुल तफीक तफाक कफब सफे बफोल तफी हफो फफे किफी जफा जफी बफा किफे हफे किफे मफे जगी लगाएंगे कि जबगी बगोल तगी हगो अगर फफे किफी जफीम किफी बिफी ओ जफी हां वफे रफी गफुड वपोट इपिफ वपी पपोट तपा पपी इपिन अच्छा मुझे फे के अलावा नहीं होता कुछ भी जी इज वेरी इजी जरा ट्राई करें हां हगाई मगाई नगे मगे सुकोनी का नहीं हगाई नहीं दैट आई नो साउंड्स क्वाइट अच्छा सॉरी हम फे की ज़बान बोल रहे थे अगर आप कराची में पले बढ़े हैं ज्यादातर तो फे की ज़बान बहुत लोगों को आती हाँ ये कराची थिंग है आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनीवन जो कराची के अलावा ये सारे लाहौर इस्लामाबाद के लोग आपको कॉल इन या मेल क्योंकि हम भी बोलते हैं इसमें कोई बड़ा नहीं आप फजूल में ना क्रेडिट लें इस चीज के लिए ठीक है चलें अच्छा ओके ओके अच्छा सुना है कि तुम्हारे पास हर बीमारी का एक टोटका होता है जी वेल हर बीमारी का नहीं लेकिन टोटकों की शौकीन हूं मैं जी हैं चलते हैं क्या टोटके हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो बीमारी है वो आपका दिमाग ही ठीक करेगा उसे आपकी जो नियत इंटेंशन है वो हाँ अगर आप हाइपोकॉन्ड्रियक बनेंगे हाय मैं बीमार हाय थोड़ी सी गले में खिचखिच होगी तो ब्रोंकाइटिस हो जाएगा हाँ। पर आपको ब्रोंकाइटिस ही होगा या कुछ अ बैड फ्लू लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं हल्की सी गले में खिचखिच कुछ एप्पल साइडर विनेगर कर लिया गले में खिचखिच है तो उसके लिए क्या आप एप्पल साइडर विनेगर के गरारे करें गर्म पानी नमक के गरारे करें तो सही हो जाएगा आंखों में से पानी बहुत बह रहा है हर वक्त आप रोज वाटर से अपने आईज को जरा क्लीन क्लेंस करें जी और मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं सारे जो तेल के टोटके होते हैं आप इसकी कॉम्बो उसकी कॉम्बो हेड मसाज ब्रश करें यू नीड सर्कुलेशन इन द स्कैल्प उससे वो ब्लड फ्लो होता है तो बाल बेहतर और कुछ पांव में दर्द नाक बह रही है हां क्या नाक बह रही है चलो पांव में भी दर्द पाँव में दर्द आप उसको ज्यादा एलिवेटेड रखें हल्दी पिया करें हल्दी इज गुड फॉर स्वेलिंग्स एंड पेंस अच्छा अच्छा एक और चीज़ है कि लोग अमूमन समझते हैं कि तुम बहुत ही मजाकिया हो और बहुत ही अभी हो अक्सर लोग समझते हैं कि मैं बहुत क्या वर्ड आप बड़ी स्नोबिश लगती हैं हमें एक्सक्यूज मी व्हाट इज दिस वर्ड स्नोबिश इसका मतलब क्या है स्नोबिश आप स्नोबिश आप सड़ू हैं सड़ू स्नोबिश नाक ऊंची थोड़ी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं दे थिंक बट फिर जब मिलते हैं लाइक ओह तुम तो अगर तुम इतनी लंबी हो तो ज्यादातर हीलें पहनने पे क्यों तुम कहाँ पहनती हूँ मैं हील लाई थी क्योंकि इतना मैंने जो लंबा पहना है जोड़ा तो स्टाइलिस्ट कहते हैं कि और स्लेंडर पोस्चर आपकी ठीक हो जाती है आप लंबे कपड़े पहनते हैं तो उसकी फॉल अच्छी आती है मैंने कहा ठीक है हील पहनी गाड़ी में बैठने लगी मैंने कहा नो 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 खुद से पकड़ो हील लाओ साथ इसलिए मैंने आपसे भी पूछा कि हील पहनूं आपने कहा नहीं खुद से वरना आप लोगों को तो कॉम्प्लेक्स होता है हाइट का कि हां मैं बहुत लंबी हो जाऊंगी नहीं नहीं वो नहीं लेकिन आई थिंक इस लुक के साथ तुम्हारा खुस्सा बहुत अच्छा लग रहा है टू लुक्स दिस कुड बी वेरी देसी कैजुअल हील थोड़ा वो थोड़ा उम्फ ले आता है हां तो हील मैं कम पहनती हूं बट पहन लेती हूं टू मे बी लिफ्ट अप एन आउटफिट Okay. Because I don't dress up too much. You don't, yeah. I can't imagine. अच्छा चलो अब हम एक बहुत मजे का सेगमेंट करेंगे इसमें आपने इन लोगों की नकल करनी है नहीं यस आपने मिमिक करना है इनको क्योंकि सुना है कि आप बहुत ही अच्छी हैं मिमिकिंग में नॉट फॉर द पब्लिक टेलीविजन हाँ तो है ना इट्स माई हाउस अच्छा नंबर वन सबा कमर पता नहीं अभी जब मिले थे वो बहुत सोफिस्टिकेटेड थे यही है ठीक ना तूबा सिद्दीकी तूबा अच्छा तूबा पोजिंग तूबा कुछ करो बट शी कम्स ऑलरेडी वेल सो आई कांट बट तूबा हैज गॉट दिस नशीली लुक अबाउट हर व्हिच आई कांट ब्रिंग शी इज जस्ट देयर समथिंग यू नो महरीन जब्बार के वालिदैन शबनम और जावेद जब्बार ओह जस्ट बिकॉज़ आई डिड दिस कौन जानता है इनको जावेद जब्बार को पूरी दुनिया जानता है और मीमी मीमी वेयर शुड वी वॉक वो कहां है सारे लाइन में जस्ट टेल देम टू स्टैंड देयर मीमी फिक्स योर हेयर एंड जावेद जब्बार साहब
The movie is very nice these days. The nation is moving forward. Hello, pretty girl. Oh my, I can't beat that one. My God, that is amazing. Ali Kazmi. Hey, Samsaid. Hey, boy. Yeah, come here. Haan, aajo. Haan, Samsaid, kya hota hai? He loves to pinch the arm, na? Jab baat karta hai, he loves to pinch ye. Thappad pade. Ye karke baat karta hai. So, haan, Samsaid, yeah, boy. Yeah, kya kare? Haan, Mimi, come here. Ali, just... But his energy is unbelievable. Hyper, but subah se leke raat tak. Hyper. His energy stays. Sarwat Gilani. I wish I could do Sarwat's laugh. One second. Oh, fuck. Sarwat Gilani ki jo hansi hai. She does her laugh, right? That is her laugh. Her laugh. Amna Sheikh. Amna, again, not enough time. Ask me after our movie. Amna. Amna bhi always pyari, perfect. Hai na, I always. Can't imitate Amna, I don't know. Adil Hussain. Kya? Kiska naam liya aapne? मेहरीन जब्बार ओह ठीक है दैट इज सो ट्रू Why have I never noticed that? Because I hate ये जो बीच की माँग ये जो नीचे पीछे ना they always have this. I hate इतने सारे बाल पीछे because पीछे से आपके फिर ये पर्दा it's just so weird. But she loves to keep that and then itching her head when she's talking. Sorry. अच्छा एक last. कौन? समीना पीरज़ादा. हाय. बहुत अच्छा किया तुमने. Fantastic work you guys. Keep it up. Beautiful. खुश रहो. क्या है आबाद रहो शी इज ऑल्सो सो पैशनेट व्हेन शी टॉक्स रियली दिल से ऑलवेज हाँ दर्द से अच्छा ये तुम्हारी दोस्तों से हमने जरा सुना है कि एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी जिसमें तुमने कहा कि आई हैव ऑलवेज बीन द अंडरडॉग अपने घर में एंड शी हर्ड आई हैव ऑलवेज बीन द डॉग I didn't say underdog. I didn't say that, but did you say underdog? No. तो एक was it dog? Why would you call yourself the dog of the family? Oh, yeah, I think this is not for public television. Haan. There was a picture and my brother and sister and I had a big laugh. कि मेरे भाई बहन बहुत प्यारे बच्चे थे. अच्छा. शायद अभी भी हैं, लेकिन तब तो बहुत प्यारे बच्चे थे. मैं नहीं थी. अच्छा. I was the ugly duckling. अच्छा. So there's this one picture with these beautiful children. एक बहन बिल्कुल China doll लग रही है. एक भाई तो Greek god का बच्चा लग रहा है. और And they're all sitting with a toy in their lap. And peeche se, I'm on all fours, crawling into the picture, but looking very confused with my black shaggy hair. You know, my mother didn't maintain my hair. It was too thick, so either wo phuljadi banati thi, that palm tree which I hated, or jab usse koft hoti thi, she'd cut it, and I just have like a mop of black thick hair. So, my beautiful olive-colored complexion compared to their. Pale milk white complexion so wow. That's why we laughed about that and we called ourselves that I look like the labrador pet in the family acha ek aur cheez jo puchni hai chalo dog se yaad aaya ki ek underdog bhi thi tum thodi bahut family ki case suna hai bachpan mein hamesha tumhari ammi kehti thi ki beta kab kuch karke dikhao bachpan mein kyunki mere bhai behan itne pyare the to unko commercials bahut zyada milte the different brands both of them bhai zyada उसने बहुत कमर्शियल्स किए तो आई थिंक जिसको शौक था एक्टिंग का या लाइमलाइट में आना वो मुझे था बचपन से तो चांस नहीं मिला अम्मी अपने बेटी को देखती थी कोने में खड़े होके दूसरों को ऑफर्स आ रही हैं वो बेचारी सल्क कर रही है कोने में सल्क नहीं किया बट माँ को मेरी शक्ल पे दर्द नजर आया तो वो कहती थी योर डे विल कम योर टाइम विल कम तुम्हारा भी मौका आएगा तो कल हम खाने पे थे तो मेरी इन कहती मुझे और जरूर तुम्हारा एक दिन आएगा मतलब कि अभी तक नहीं आया अभी नहीं हाँ सही है सपोर्ट करते हैं तुम्हारे काम को या क्रिटिसिज्म ज्यादा मिलती है माय मदर इज माय बिगेस्ट क्रिटिक बट बचपन से इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि आई'd बी लाइक मैं कुछ भी बना लूं कुछ भी कर लूं वाह 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 कभी तो कह दें कि बुरा अब जाके कहती हैं नाउ ऑल शी डज इज क्रिटिक रियली हां बट इट्स नॉट बैड शी स्टिल प्रेजेस मी एंड क्रिटिक्स द रेस्ट
चलो सही है, हाँ, सही है, चलता है. तुम grounded कैसे रहती हो? Because you're very sort of matter of fact and very comfortable in your skin. I think ये सब आपके upbringing पे depend करता है. अम्मी ने कभी ज़्यादा हमें वो ज़्यादा नहीं चढ़ा के रखा ना. मतलब आप अपने घर के काम please खुद करें. करें. कोई आपके पीछे करने वाला नहीं है. बचपन से अपना लाइक टेबल क्लियरिंग द टेबल मेकिंग योर बेड लॉन्ड्री किसी ने की है तो आदत ये डलवाई थी कि स्त्री किसी ने कर ली बट आपको जाके अपने ये नहीं आप लाड साहब नहीं पल्ले इधर तो एवरीवन वर्क्स विद हिमसेल्फ एवरीवन रन्स द हाउस टुगेदर सो दैट्स ऑलवेज समथिंग दैट यस. अब तो इतनी रिकॉग्नाइज्ड होती हो तुम पब्लिक में जहाँ पे भी जाती हो तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि यू जस्ट वांट टू गो आउट एंड हैव अ क्वाइट इवनिंग विद योर फ्रेंड्स और फैमिली और हर जगह कोई ना कोई मिल जाता है तो वो कैसा लगता है? मुझसे ज्यादा तकलीफ जो मेरे साथ है उनको होता है कि यहाँ एक सेकंड हम बात कर रहे हैं तो बीच में ये कर रही हो किसी और की बात सुन रही हो पिक्चर या देर हो रही है हम कहीं जा रहे हैं तो किसी ने रोक लिया देर से कि भाई अभी टाइम नहीं है आई से प्लीज डोंट से दैट टू समवन बिकॉज उनको क्या पता मैं उनको कब मिलूंगी दोबारा फिर से तो आप ठीक है फिल्म हो गई नो मोर प्रमोशन सो आई डोंट मैं ना नहीं कह सकती किसी को. एक हाँ एक दफा मेरे गुर्दे में दर्द हो रही थी मैं हॉस्पिटल में थी अपनी अम्मी के साथ जस्ट फॉर चेकअप बट दर्द बहुत हो रही थी एंड आई एम लीनिंग ऑन माय मदर शोल्डर मुंह छुपा के साइड पकड़ के आह आह करी जा रही हूँ तो एक लड़की देख ही रही है ठीक है बट व्हेन आई एम वॉकिंग स्टम्बलिंग हॉबलिंग टू द अल्ट्रासाउंड प्लेस शी कम्स एंड आस्क्स फॉर अ पिक्चर I wanted to say serious, so my mother then said कि यार थोड़ा सा तो गुड़ और मैंने कहा इस हालत में please I mean हाँ क्या हशर या फिर I remember during दोबारा फिर से के promotions हम प्लेन में बैठे हुए मरे हुए एक पिक्चर हमने कहा प्लीज इस हालत में आप लोग फिर पोस्ट कर दोगे फिर हम लोग but I guess कैसे लगे so मुझे जो तकलीफ होती है कि आपको हमेशा थोड़ा सा तैयार रहना पड़ता है बट जो कि मैं नहीं होती बट आई ऑलवेज थिंक यार थोड़ा सा तो मैं कुछ ब्लश डाल लेती लिपस्टिक पहने लेती निकलने से पहले बट नो मेकअप में हम लोग इतना नहीं बिकॉज हम लोग इतना मेकअप में रहते हैं योर स्किन नीड्स टू ब्रीथ माय टोनर्स नीड टू वर्क यू नीड टू ब्रीथ. अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम लोगों को अच्छा पढ़ लेती हो? मुझे नहीं लगता मैं तो किसी को भी बिलीव कर लेती हूँ एंड अच्छा मान लेती हूँ एंड ट्रस्ट कर लेती हूँ सो ये कभी कभार ऐसा हुआ है जब बहुत ही गलती हो या बिल्कुल ही गलत एक जजमेंट की हो कि कोई बहुत बुरा लगा हो शुरू में फिर वो बहुत अच्छे हो लेकिन हाँ बाद में पता चल गया या किसी ने कहा कि देखा मैंने तुम्हें कहा था फिर आई एम लाइक नहीं नहीं वो ऐसे नहीं है बिल्कुल भी नहीं नहीं वो तो एंड फिर बाद में मुझे फिर आई टोल्ड यू सो होता है सो हाँ. अच्छा एक और बहुत मजे की बात है तुम्हारे बारे में जो लोग बहुत रिगार्ड और रिस्पेक्ट करते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम कभी भी नमाजें नहीं छोड़ती अपनी और तुम जैसे कज़ा पढ़ती हो नहीं एंड आई थिंक ये ज़रूरी है निकालना क्योंकि सबका एक इम्प्रेशन सा होता है ना एक्ट्रेसेस के बारे में कि ये बड़ी फास्ट होंगी या ये बड़ी ऐसी होंगी बट यू वेरी ग्राउंडेड एज फार एज योर फेथ इज़ कंसर्न्ड. मैं रिलीजन नहीं कहूँगी एक फेथ है तुम्हारा. रोज़े तुम कभी नहीं छोड़ती? आई हैव टू से दिस इज़ टू इम्प्लीमेंट डिसिप्लिन. ओके हर रिलीजन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है एंड देर ऑल लेसन्स ताकि आप अपने आप को ग्राउंडेड रखें डिसिप्लिन रखें. पीपल हु बिलीव्ड इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट जो एक वो किताब आई थी तो नमाज इसीलिए रोजे एंड ऑल इसीलिए एक डिसिप्लिन के लिए सेल्फ कंट्रोल के लिए हेल्थ के लिए भी और आई द कम्युनिटी लिविंग सब एक साथ कुछ करें उसमें मज़ा आता है. नमाज ये कि जिस तरह आप पांच अगर दिन में मैं पांच दफ़ा किसी चीज़ का शुक्रिया अदा कर सकती हूँ और जो मुझे चीज़ें चाहिए उसके लिए उसका मांग सकती हूँ मैं तो फिर आई बिलीव दैट दैट इंटेंशन दैट फोकस फाइव टाइम्स डे विल ब्रिंग मी दैट. आप मेडिटेट करो आप अपने आंखें बंद करके पाँच मिनट लिए ये इंटेंशन बनाओ आप अपना पूरा घर में मूड बोर्ड बनाओ कि मुझे ये गाड़ी चाहिए ये घर चाहिए ये जॉब चाहिए ना आप उस पर फोकस करते रहो तो दैट्स व्हाट द सीक्रेट सेज विल लीड यू दैट वे. सो आई थिंक फॉर मी इट्स मोर ऑफ दैट देन के आई विल बी पनिश्ड बट इट्स जस्ट अ गुड हैबिट इट्स अ गुड हैबिट मेडिटेशन योगा ऑल दीस थिंग्स प्रेयर्स इट्स ऑल गुड हैबिट. ओके मैं टाइटल्स दूंगी और तुमने लोगों के नाम लेने इन द सेंस के मैं कुछ कहूंगी और तुमने किसी एक्टर का या एक्ट्रेस का नाम लेना है. ओके मिस कंट्रोवर्शियल टाइम निकल रहा है 1 2 3 4 मिस्टर कंट्रोवर्शियल हमजा आली अब्बासी. अच्छा सही है चलो. बिगेस्ट कंपटीशन एनी
of the other actresses my age and my thing, Saba Kamar, Mahira, Amna, Sanam Baloch, Maya Ali, Urva Mavra Husseins, they're all competition. They're all competition. Ideal co-star? Who I've worked with or haven't worked with? I guess who I'd always like to work with. Who you'd always like to work with? Ideal co-star... I'm going to work with my ideal co-star, Amna Sheikh. Amna Sheikh, okay. Hmm. Dream role? I think a comedy now. Comedy now? Yes. तुम्हारे पास कौन सी एक ऐसी चीज है जो दूसरी एक्ट्रेसेस के पास नहीं है? थिएटर बैकग्राउंड, अ लॉट ऑफ थिएटर बैकग्राउंड, एंड आई थिंक दैट हेल्प्स इनहिबिशन एंड क्रिएटिविटी एंड नॉट फॉलिंग इनटू अ सिस्टम. आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड मी. अच्छा. स्टूपिडेस्ट रूमर यू हैव एवर हर्ड अबाउट योरसेल्फ? कि मैंने अपनी शादी पे 5 करोड़ रुपए खर्च किए और दुनिया के 3 मुल्कों में मैंने शादी की. क्या किसी रोल के लिए कभी अपना सर शेव कर सकोगे? डिपेंड्स कि क्या रोल और हाँ, बट नॉट फॉर हाँ डिपेंड्स इट हैज़ रियली डिपेंड्स फॉर अ नॉट नहीं हाँ डिपेंड्स. आई मीन इफ हॉलीवुड गिव मी अ कॉल आईड शेव माय हेड नॉट नाउ इन अ मिनट. हाँ ओके. अच्छा, तुम्हारे मुताबिक कौन सी सेलिब्रिटीज हैं जिनको इन चीजों की जरूरत है? ओके. स्टाइलिस्ट मी. थेरेपिस्ट मेरीन जबार. अच्छा. जिम मेंबरशिप? मैन दे आर आल्सो थिन. जिम मेंबरशिप हुमायूं. करंट सेलिब्रिटी क्रश कौन है तुम्हारा? आई जस्ट सॉ ला ला लैंड एंड इट सॉरी इट्स हॉलीवुड. आई एम हॉलीवुड ऑब्सेस्ड. रायन गॉसलिंग वाज जस्ट ही सैंग एंड ही डांस्ड एंड ही एक्टेड एंड ही गेव दोस ड्रीमी आईज. क्या किसका नाम ले लिया. एनीवे चलो. कौन सा ऐसा रोल है जो तुम कभी भी नहीं करोगी? मजलूम औरत का रोल जो अपने आप के लिए कुछ कर नहीं सकती, जो बिल्कुल ही मतलब अल्लाह मियाँ की गाय बन के औरत के नाम हो के चीज़ें जो सहती है अपने आप बिकशित. आई नो नो आई नेवर डू अ रोल लाइक दैट. इट्स जस्ट रिडिकुलस. इट इज़ योर थैंक गॉड. हाँ, क्योंकि तुम्हारी उर्दू ज़रा कमज़ोर है, कैसा लगता है लीडिंग एक्ट्रेस होना एक उर्दू ज़बान के ड्रामों में? बिल्कुल ठीक. मुझे लाइंस मैं देखें, प्रॉब्लम ये है मुझे उर्दू पढ़ने आता है, पढ़नी आती है, पढ़नी आती है. ठीक है. तो अगर ज़ेर ज़बर मुज़क्कर मौनस ऑलरेडी मेरे लिए लिखी गई है, मैं उसको कह सकती हूँ. तलफ़्फ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन तो ठीक है मेरी. मुझे अपने आप से अपनी वोकैबुलरी से चीज़ें निकाल के वो नहीं आता मुझे. इम्प्रोवाइज कॉन्वर्सेशन नहीं आता मुझे. नहीं आता. ओ, तुमने पहले मॉडलिंग की, फिर तुम वीजे मॉडलिंग की तुमने? 10 साल. 10 साल तुमने मॉडलिंग की? 10 साल मैंने मॉडलिंग की. Wow. I didn't like it. You didn't like it? No. Why? क्यों? Because I don't like putting makeup on and I don't like getting dressed and I don't like sitting with बहुत सारी लड़कियाँ and खुसर फुसरिंग about clothes and weight and उससे मुझे वो होता था. घबराहट होने लगती है. तो जब ज़्यादा and because I was young and impressionable, जब वो फिर भी 10 साल लगाए, but then मैंने बहुत कम किया बीच में. कम करने लगी एंड आई थिंक लंबी लड़कियों की कमी थी. हर साइज शेप हाइट की लड़कियां आ रही थी. सो फॉर ओनली फॉर पर्टिकुलर बिग शोज आई डू दोज, बट बाकी मैं नहीं करती थी. और तब विनी थी, इरज थी, आमना हक थी, वी हैड ऑल दिस जिया, ऑल ऑफ देम वर देयर. सो इट वाज अ नाइस टाइम एंड द मोमेंट द क्राउड चेंज्ड देन आई रियलाइज्ड अब मैं यहां से निकल जाती हूं. बट मेनली लाइक आई कीप सेइंग इन इंटरव्यूज आल्सो, व्हेन आई बिकेम कॉन्शियस अबाउट माय वेट एंड माय कॉम्प्लेक्शन, माय स्किन एंड माय दिस एंड माय दैट, देन आई वाज लाइक मैं इसमें नहीं पढ़ सकती यार, मुझे डिप्रेशन हो जाएगी अपने बारे. और अपने बारे में इतना सोच के बंदा डिप्रेस होना इज सैड. सुना है कि एक्टर्स बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो जाते हैं, जो तुमने अभी मॉडलिंग के हवाले से भी बात की है. एक्टर हो, फिल्म एक्टर हो, टीवी एक्टर हो, आपको यू हैव आई डोंट नो हैव टू गलत लव्स है, बट एक है आपको एक एक इमेज मेंटेन करना है. अनअटेनेबल, अनअप्रोचेबल, एक फैंटेसी, एक बहुत बड़ी चीज़. और मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि आपको अप्रोचेबल होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए, यू नो, कनेक्ट विद पीपल, लेट देम थिंक दैट यू आर वन ऑफ देम. बट वो आपको जोई विक जी और मेरा ये एक मसला है कि अब हम सेलिब्रिटीज बन गई, बट हम फिर भी बहुत झल्ली नहीं कुछ पहनना, लाइक ड्रेस अप होना ये वो, बट देन ये बेहतर था ड्रेस अप होना. ड्रेस अप कि अगर आपने अप्रोचेबल होना है, डाउन टू अर्थ, तो ये सब होना, फिर आप टीचर बन जाएं, आप कुछ और बन जाएं, आप कुछ और कर ले. अगर आपको बनना है सेलिब्रिटी तो फिर आप बने सेलिब्रिटी, यू नो, देन दे वांट टू सी यू कि आपने आपका क्या फैशन चल रहा है, वो आपको फॉलो करना चाह रहे हैं. अगर आप वही उनसे बदतर कपड़े पहननी है तो फिर आपको नहीं देखेंगे, आपको इम्प्रेस एम्प्रेस नहीं होंगे आप, नहीं होंगे. सो इफ यू वांट to be a trendsetter, then stick to your style. But then
go all out a little bit so that they get intrigued by you or that they pay attention to you. ऐसा कुछ बीच में कुछ होना था कि यार अगर मुझे ये करना ना तो मैं एक्टिंग भी छोड़ दूंगी बिकॉज मुझे इसमें नहीं फंसना. But I think now that I'm older and not so frazzled, एक बैलेंस में खुद ढूंढ सकती हूँ कि जहाँ पे करना है और जब करना होगा तो मैं कर लूंगी, नहीं करना तो नहीं करूंगी. नहीं करूंगी. हाँ सही है, सही है. अच्छा एक चीज मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ सनम, जो आई थिंक एज एन एक्टर आप कभी कभार बहुत फंसावा फील करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप वही प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं जो आपको ऑफर होते हैं, तो एक लिमिटेड वैसे ही चॉइस होती है. अब अगर सोचो 5 कैरेक्टर्स आपको मिले हैं, उनमें से 3 तो बिल्कुल ही ना करना चाह रही हो, 2 ऐसे हैं जो आई मीन ठीक है लेकिन उसमें एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं है, कौन सा ये तरीका है? मेरी समझ में नहीं आता. लेकिन आई अंडरस्टैंड आप एजेंट्स भी हैं, मैनेजर्स भी हैं जो पहले 5-6 साल पहले तक खास नहीं होते थे. हाउ कैन यू पिच फॉर प्रोजेक्ट्स दैट यू लाइक? या जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो एक क्यूरियस चीज़ लगती है कि तुम में एक जैसे एक है, तुम एक कमेडिक टाइमिंग है, तुम में एक नेचुरल वो है जो बहुत सी दूसरी एक्ट्रेसेस में नहीं है. लाइक हर किसी का एक अपना एक होता है स्ट्रेंथ, राइट? तो ऐसा कोई तरीका है जो तुम फिर अपनी स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल हो और वो दबाया ना जाए? तुम फील करती हो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ आती है? और एक वो सर का जो दर्द का सवाल होता है वही दैट्स व्हाट एक्टर्स आर स्ट्रगलिंग विद. अ लॉट ऑफ एक्टर्स अब वो अपने लिए ही रोल्स लिख रहे हैं और खुद ही डायरेक्शन में जा रहे हैं या खुद ही स्क्रिप्ट पूरा स्ट्रक्चर लिखे फिर किसी स्क्रिप्ट डॉक्टर से वो लिखवा रहे हैं. बिकॉज आई थिंक मेल एक्टर्स फीमेल एक्टर्स सब हम फंस गए. एक वो एज आ गई है, एक वो टाइम आ गया है, एक वो सब कुछ कर चुके हैं, अब क्या समथिंग न्यू समथिंग चैलेंजिंग वो नहीं आया अभी तक. एंड जस्ट डूइंग अ डांस नाउ इन फिल्म्स मे बी द नेक्स्ट स्टेप और चैलेंजिंग बट इट्स गॉट टू बी मोर देन दैट जस्ट बिकॉज यू नो आप यू आर यूज्ड टू सीइंग सर्टेन एक्टर्स इन अ सर्टेन लाइट और अब वो फिल्मों में आके आप उनको एक दूसरी नजर से देख रहे हैं. दैट्स नॉट अ चैलेंज. आई मीन इट इज इन अ स्मॉल वे बट दैट्स एन इनहिबिशन. इट्स एन इनहिबिशन दैट यू आर लेटिंग गो व्हिच इज एक्साइटिंग. आई नेवर थॉट आई डांस इन अ मूवी बट फॉर मेरी वेरी गुड डांसर बाय द वे. तुम्हारा और अली का बहुत अच्छा था मेहंदी का जो डांस था. हां मजे का. वेरी नाइस. बट अगेन बिकॉज़ वी फेल्ट कंफर्टेबल डूइंग इट बिकॉज़ इट वाज मेरीन्स फिल्म एंड देन द वे इट वाज प्रोजेक्टेड एंड हां बिल्कुल कोरियोग्राफ. आई डोंट नो मैं अपने लिए शायद ना लिखूं स्क्रिप्ट. मुझे अपना वो हिट थिएटर में मिलता है निदा भट्ट के साथ. You know, all the from Roxy, Rizzo, Rosie, from all the Mamma Mia, Chicago. And all. I want Nida to do now a Laila Majnu or a Heer Ranja, a Romeo and Juliet. Rula de hum logon ko stage pe lekin. Ek aur hi maza hai. Screen pe wo nahi aata. But I think you personally have to keep challenging yourself. Khud se. Hum log, main yehi Harim se baat kari thi. Hame koi sikhata nahi hai. Hum sab khud seekhte hain. Experience se, tareef se. हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं. आई थिंक आई वुड लाइक टू आइडियली टेक अ ईयर ऑफ, वुड यू गो अब्रॉड बिकॉज अब्रॉड की जो सेंसिबिलिटीज हैं वो थोड़ी एंड देयर मोर एक्सपीरियंस पीपल देयर, देयर इज मोर स्कूल्स देयर, देयर इज मोर वर्कशॉप्स. आई थिंक बाहर जाके थोड़ी वोकल ट्रेनिंग, थोड़ी सिंगिंग ट्रेनिंग, थोड़ी मूवमेंट, थोड़ी एक्टिंग, जस्ट अ होल ईयर स्पेंड डूइंग वर्कशॉप्स एंड देन कम बैक. बिकॉज आई थिंक आपको यहाँ से थोड़ा निकल के और अपने आप को इक्विप्ड करके वापस आना है विद डिफरेंट एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंसेस. एक बड़ी इंटरेस्टिंग लेकिन एस्पेक्ट है अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि बाहर सबके पास वो ट्रेनिंग तो है एंड आई मीन माय गॉड द लेवल ऑफ एक्टिंग देयर इज रिमार्केबल, लेकिन उनको वो चांस नहीं मिलता जो यहां पे रिलेटिव न्यूकमर्स को मिल जाता है. सो इट्स अ बिट ऑफ अ पैराडॉक्स. द पूल इज स्मॉलर. हां तो हम लोग वी आर वेरी फॉर्चूनेट. या यू आर बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड रादर देन. एग्जैक्टली वी आर वेरी फॉर्चूनेट बट आई फील लाइक हम लोग कंप्लेसेंट बहुत ज्यादा हो गए, लेजी बहुत ज्यादा हो गए. हमें अब आई हैव टू से सबा कमर इन लाहौर से आगे वाज फैंटास्टिक. She was, of course, she can do much greater things than that. But the freedom with which Sabah Qamar performed, her body language, her tone, her expressions, I think, kai actors mein wo hai and I really admire that in Sabah Qamar. But Sabah Qamar is inhibitionless. Hamari society ki wajah se, ghar ki wajah se, general image ki wajah se, hum log thode dare dare bhi rehte hain. Khul ke hum nahi perform karte. I think ek dafa hum bahar jaake, थोड़े घुल मिल जाएं दूसरे लोगों के साथ, दूसरी स्कूल ऑफ थॉट के साथ. आई थिंक देन व्हेन वी कम बैक वी विल बी बेटर इक्विप्ड एंड लेस. बीइंग अनइनहिबिटेड डजंट मीन बीइंग बेहुदा. ऑफ कोर्स या बट पीपल गेट कंफ्यूज्ड. एक एक्सप्रेशन भी बेहुदा हो सकता है. बिल्कुल एक्सप्रेशन में वो जो अबैंडन विद व्हिच वन कैन परफॉर्म वो
बहुत कम एक्टर्स में. अभी जितनी भी फिल्में आई हैं पाकिस्तानी फिल्म्स, आई हैवंट फेल्ट लाइक ओह काश मैं वो मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया होता, सिवाय शायद मेविश हयात इन एक्टर नाउ बिकॉज शी प्लेड अ पारसी गर्ल एंड आई वुड हैव लव्ड टू डू अ गुजराती एक्सेंट पारसी. I would have done it my own way, yeah. But that was definitely a fun role to do, and a great role as a role model also. I like how Nabeel always shows yeah. that. Mm-hmm. So I guess to answer your question, I would like to take a break or kuch aur seekh ke, unlearn karke, phir wapas seekh kare. अब हम दोबारा फन सेक्शन पे आ गए हैं और मैं चाहूंगी, बहुत जोर से चाहूंगी कि आप जरा मेरे लिए कुछ एक्सेंट्स कर लें प्लीज, क्योंकि सुना है आप एक्सेंट्स में बहुत अच्छे करते हैं मांगता. तो चलें आप खुद ही इम्प्रोवाइज करके प्लीज बात कीजिए. उर्दू वाले कुछ? नहीं नहीं, अच्छा इंग्लिश हाँ, दोनों. हाँ तो पहला ओके ऑस्ट्रेलियन. No, it's like, you know, people who are going to watch this, they're not going to really get one. Do you know, remember Neighbours, Kylie Minogue? Hello. Oh, my friend Summer Nix, people will relate to him. He did Seedlings. They have this really funny way of talking that it's really hard to kind of like, you know what I mean? Yeah. Okay. Are we Brilliant. Done? Thanks. Brilliant. Okay. Brilliant. Thank you. Okay. British. Well, I was watching Downton Abbey, if you know what I mean, and it's really interesting the way that the British are supposed to be very snobbish because, you know, their mouth kind of contorts like this. And so there's a Queen's kind of English, so to say, yes. if you like that. Or, you know, when we were in London, yeah, I mean, these guys, they're just so like radical and they're so interesting. It's like they can't say TH, they say fur. So it's like three, one, two, three, four, five. Do you know what I mean? Yeah, they're yeah, like, yeah. Do you have another one? American. We watch so much TV these days. I think it's really interesting the way our RJs, for example, on like FM 89, they're so Americanized. And I wonder if they particularly hire like expats who come from the States, or are they just like American school kids? Mm. Or is it like the cool thing to do to kind of like talk? Mm. Unless you're like Matthew McConaughey, who needs to kind of change his accent up a little because it's way too Southern all the time. South African. Ooh, the South African accent is a little bit difficult for me to do because it's not really Australian. No, this is one that I'm still trying to practice on. It's hard. It's kind of English, kind of Australian, kind of like hard. I don't, it's hard. Blood Russian. Diamond. Petrovsky was this really famous artist. You can see his paintings on the wall. He likes to drink this clear liquid, but I can't take the name. Petrovsky or something. But it's like very much interesting the way James Bond always has the bad guys speaking Russian accent. Yeah? Yeah. Okay, it's German. Very cold. In hindsight, it's the German, yeah. It's very... German is still... I'm... Not there yet with the German, yeah. Mm-hmm. It's hard. It's not hard. Getting there. Yeah. It's kind Indian of Indian accent. Really rocking, yeah. I mean, are you Karan? What are you saying? No, yeah. Vicky, don't say that. Yeah, I know. How can? No, yeah. You know what I mean? They're really like when I see Sonam and all talking, they're not moving their head so much. But it's like, why are they enunciating the word so much? Come on, you also have to talk like it, yeah? I can't do it, yeah. No, yeah, Ranveer, what are you saying, yaar? Yeah, tell him no. He's really naughty, this one. Pakistani. Karo na, Pakistani. So, Pakistani, hum aise hi baat karte. Haan, nahi, lekin Punjabi chalo kar lo. You know, the one thing I know is that when we were in Manchester right now, yeah, it's the Punjabis that speak with the British accent and they want water sometimes, very cold water. And they say like, you know, beach mein, they like to say player. It is my player yes. to meet you. Yes, and it's a trier. And it's a trier that yeah. the government is not doing its job properly. Yes. Huh? Yes. Ki kehndi paaya? Okay, so it's like yeah, that. It's Sindhi. Sindhi, mikke nao bolo ato pakho de something, I don't know. Sindhi stuff now. Sindhi stuff, but it's there. Wo, asa de sign, de thoda aur time spend karke then... वो ज्यादा टाइम नहीं गुजारा. अच्छा ये अब तुम अकेले ही करोगी? No. हाँ, मैं डायरेक्टर हूँ इसमें. अच्छा अब तुम बहुत ही हाँ सीधा कर लो पाऊँ. सो गया, सही हो गई? सो गया, सो गया, हाँ. सो गया, हाँ. ओके सोनिया.
सीन कर रही हो ड्रामे का, बहुत इंटेंसा सीन है, लेकिन तुम्हें लाइंस नहीं याद रह रही, बार बार लाइंस भूल रही हो. हाँ अच्छा चलो सनम दोबारा से ट्राई करेंगे, प्लीज फोकस यार. ओके ठीक है. ओके अच्छा रेडी लाइटिंग साइलेंस एक्शन. मसूद मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला कि मैं तुम्हारा लाइन देना. ओके बस और बस बस. हाँ मसूद मैंने तुम्हें कितनी बार बोला यार, अम्मी को नहीं पता कि यार वो क्या कट. सॉरी आपको एक एक फ्लो में बोलना है सनम, टेक्स नहीं होंगे, कट्स नहीं होंगे, नहीं हो सकते, ये सिर्फ वन शॉट है. ओके ओके तो प्लीज एक दफा आपको, डू यू वांट द स्क्रिप्ट? नो आई एम ओके. स्क्रिप्ट पढ़नी है एक दफा? अच्छा चलें. ओके एक्शन. एक्शन हो गया. एक्शन. ओह सॉरी. ओके सॉरी. एक्शन कट. एक्शन ओके. बाल ठीक करना प्लीज. आपके बाल ठीक हैं सनम, प्लीज बस लाइन बोल दें. सॉरी वो फील नहीं आता. अच्छा चले. एक्शन. सनम स्क्रिप्ट रख दें. सॉरी हाँ शॉर्ट में आ रहा है. हाँ मसूद मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि वो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि अम्मा ने कहा है. क्या कह रहे हो? सॉरी कट. मुझे नहीं हो रहा आज. लंच ब्रेक लें प्लीज. लंच ब्रेक लें. हाँ अच्छा अब हमने इंसल्ट्स करने. आई एम रियली स्केयर्ड इंसल्ट्स विद हर. उर्दू में. उर्दू में. अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा है वैसे कि तुम पहली एक्ट्रेस हो जिसने बिल्कुल ही देसी आउटफिट पहनकर आई हो और अजरक और दुपट्टा और झुमके बहुत प्यारी लग रही हो. थैंक यू. स्पीड में रुक नहीं सकते. हाँ मुझे आपके बालों के फ्लिक्स बड़े मजेदार लग रहे हैं. आपके जो लंबे बाल होते थे वो आप इसमें से आप बहुत ज्यादा यूथफुल लग रही हो. पता नहीं तुमने बचपन से क्या सुना है और शायद तुम्हारे बहनों भाई मॉडल्स होते थे और वो इसलिए यूज किए जाते थे क्योंकि वो गोरे बहुत थे. लेकिन असली जो एक अट्रैक्टिव कम्प्लेक्शन है वो तुम्हारी कम्प्लेक्शन है. थैंक यू. वीटिश. वीटिश कम्प्लेक्शन. ऑलिव कम्प्लेक्शन. ब्राउन. ब्राउन. जी जी. हाँ मुझे आपकी जो अदाकारी है ना, आपकी जो कॉमिक टाइमिंग है, उससे मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली थी. जी ब्लैकफिश के दिनों में आप जो दोबारा फिर से में भी आपकी जो स्पीड थी बात करने की कॉमेडी की, बहुत मजेदार थी. हाँ वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी ब्लैक फिश में कॉमेडी कितनी अच्छी होती थी. oh. और आप बहुत स्पॉन्टेनियस होती थी और आप ऑन द बॉल होती थी हर वक्त. आपका जो नाक का जो कील है ना, दिस आई रियली मिस कि मेरे नाक में काश अभी भी होता है. लेकिन नहीं है. आपके दांतों का जो गैप है ना वो मुझे बहुत क्यूट लगता है. रियली लोग कहते हैं मुझे बंद कर देना. नहीं 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 कभी नहीं करना. कभी नहीं. बहुत एक इंटेग्रल पार्ट है तुम्हारी पर्सनालिटी का. आपके हाथ बड़े प्यारे हैं. आपके हाथ ज्यादा प्यारे हैं. बस हो गया. आपके जूते बहुत अच्छे हैं. कहाँ से? बड़े मैडमैन स्टाइल के. पता नहीं कौन से हैं अब. मजेदार हैं. हाँ बहुत सारे. तो इसी के साथ थैंक यू. और आपका भी बहुत थैंक यू कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा. बाय बाय.